वेलकम स्टूडेंट्स टू माय चैनल डिस्कवर सोशल साइंस। हेयर आई एम विद यू विद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ इकोनॉमिक्स एंड फर्स्ट लेसन आई एम स्टार्टिंग विद। सी, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर 1 मार्क और आंसर्स आपके वैल्यू बेस्ड टाइप क्वेश्चन है। ये आंसर्स आपके जो है वो अपने आप से आप उसको बना सकते हैं। देन दिस इज नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन and two things are very clear, one different persons they can have different developmental goals। ye question hoga that do people they have different developmental goals or same, ye simple paper hoga। next is income or money, most important short question mein aa sakta hai ye। then next aapka bahut important nahi hai ye। अब नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो नेक्स्ट टॉपिक में आएगा, दैट इज टोटल इनकम, पर कैपिटा इनकम क्या होती है, व्हाट इज पर कैपिटा इनकम, डिफाइन उसकी, एंड देन हाउ वर्ल्ड डेवलपमेंट डिवाइड्स कंट्रीज। ये 3 या 5 मार्क्स में आ सकता है और ये हाईलाइटेड पोर्शन आप जो है वो उस पर ध्यान दीजिएगा, ये आप पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एप्लीकेशन बेस्ड आ सकता है स्टूडेंट्स 3 मार्क्स में, उसमें आपको ये टेबल लर्न करने की जरूरत नहीं है। टेबल विल बी गिवन, ऑन द बेसिस ऑफ टेबल आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट, नेट अटेंडेंस रेशियो, ये सेपरेटली आपसे पूछा जा सकता है इन 1 मार्क और इन शॉर्ट क्वेश्चन। देन नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, आप हाईलाइटेड पोर्शन पढ़ लीजिएगा। देन ये देखिए, ये वेरी शॉर्ट में आ सकता है, व्हाई केरला हैज लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये गिव रीजन में या वेरी शॉर्ट में ये आ सकता है, मैंने ये इसमें मेंशन भी किया हुआ है। देन नेक्स्ट कम्स ये HDI स्टैंड्स फॉर, ये तीनों जो नोट्स के जो हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये आपको टेबल की कोई डिजिट लर्न करने की जरूरत नहीं है, आपको यू डोंट नीड टू लर्न इट। देन शॉर्ट नोट ऑन सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट एंड प्लीज डू मेंशन अबाउट द एग्जाम्पल्स ऑफ ग्राउंड वाटर एंड लोइंग लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर एंड क्रूड ऑयल, ये दोनों आप एग्जाम्पल्स जो है वो मेंशन कर दीजिएगा। सो स्टूडेंट्स, ये Chapter 1, आई एम मूविंग टूवर्ड्स Chapter 2। आप देखिए, अब हम Chapter 2 की तरफ में जा रही हूँ, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो उसके बारे में एक्सप्लेन कर रही हूँ and I am sharing the chapter with you here, Chapter 2। see Chapter 2 mein sectors of Indian economy, that ye dekhiye tino sectors ke bare mein, and please don't forget to write examples, primary, secondary aur tertiary sector, dekhiye tertiary aur service sector ek hi baat hai, aap example likhne mat bhuliyega isme, to ye dhyan rakhiyega। then final goods and services, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्पल साथ में इसके दिया हुआ है, GDP, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखिएगा शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। एंड हु हैंडल्स द मेमोथ टास्क ऑफ मेजरिंग GDP इज टेकन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली, ये इसके बारे में है। अब ये देखिए, हिस्टोरिकल चेंज, मेरी अपनी वीडियो देखिएगा आप, उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है इसको, दैट वॉट इज अ हिस्टोरिकल चेंज। Now the very very important long question is the rising importance of tertiary sector। इसमें ये आप देखिए 4 points हैं, ये चारों ही आप mention करिएगा इसमें, these 4 points they are very important। ये एक long question बहुत important है जो बनता है। Next आपका आ जाता है types of unemployment, one is called disguised unemployment and underemployment क्या होती है, disguised unemployment क्या होती है, does Do we have disguised unemployment only in cities, only in villages or in cities also? Disguised unemployment cities में भी होती है and sometimes it is underemployment। मैंने आपको अपनी मेरी वीडियो में देखिएगा, लिंक शेयर कर दूंगी मैं, तो उसमें आप देखिएगा कि आपको उसमें क्लियरली आपको पता चल जाएगा। Now next is about, नेक्स्ट वी आर कमिंग इज अबाउट द ये शॉर्ट क्वेश्चन में रेगा या एम, इसमें महात्मा गांधी ऐसे जोड़ दिया गया, वैसे ये NREGA कहते हैं इसको, महात्मा गांधी का नाम अटैच हो गया था
तो ये मृगा बन गया, बात एक ही है। इसके ऊपर शॉर्ट नोट 3 मार्क्स में काफी आपको पेपर में देखने को मिलेगा ये। नाउ डिफरेंस, एक टेरिटरी सेक्टर, इंपॉर्टेंस ऑफ टेरिटरी सेक्टर लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद आप देखिए, दिस इज जस्ट रीड कर लीजिएगा इसको, जो मैंने अंडरलाइन किया है पोर्शन, यू जस्ट काइंडली रीड इट, अंडरलाइन पोर्शन को। तो एंड अब सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप, नेक्स्ट थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन जो है, दैट इज हाउ कैन यू डिवाइड सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप। आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है, और पब्लिक प्राइवेट सेक्टर, ये दो तो है ही। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू गिव एग्जाम्पल्स, पब्लिक प्राइवेट के साथ में आप इसमें ज्वाइंट सेक्टर भी आप ऐड कर सकते हैं। सो इट वॉज क्वेश्चन लेसन नंबर 2, एंड नाउ आई एम मूविंग टू लेसन नंबर दैट इज 3। आप देखिए ये लेसन नंबर 3 जो है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है मनी एंड क्रेडिट में, दिस आई एम मूविंग अहेड विद यू। एंड ये देखिए मनी एंड क्रेडिट का, मनी एंड क्रेडिट में आप देखिए डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट इंपॉर्टेंट है, विद एग्जाम्पल इसको मेंशन करिएगा। देन व्हाई मनी इज, व्हाट आर द मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ करेंसी, बहुत आता है ये, एंड व्हाई इज इट एक्सेप्टेड फॉर पेमेंट, व्हाई इट इज एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट डिमांड डिपॉजिट्स, फीचर्स ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये 3 मार्क्स में बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देन नेक्स्ट आपका जो इंपॉर्टेंट आ जाता है, हाउ डू बैंक्स दे अर्न इनकम, और एंड या नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक ही टाइप से दूसरा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, दैट डिस्क्राइब अबाउट द लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक्स, कि बैंक जो है हाउ डू दे रेंडर लोन, तो ये लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक्स के बारे में डिस्क्राइब करना है। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जो आता है, फॉर्मल सेक्टर एंड इनफॉर्मल सेक्टर, आप अगर कर सकते हैं तो ये एग्जाम्पल की फॉर्म में आप इसको दे सकते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर के एग्जाम्पल की फॉर्म में आप इसको मेंशन कर सकते हैं, जस्ट इन फॉर्म ऑफ एग्जाम्पल। शॉर्ट नोट, कोलेट्रल एंड कोलेट्रल एंड टर्म्स ऑफ क्रेडिट, ये दो 1.5 1.5 मार्क के आते हैं शॉर्ट नोट में, तो ये आप उस हिसाब से प्रिपेयर करिएगा। देन नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, दैट इज फॉर्मल सेक्टर एंड इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन, और जो हाईलाइटेड पोर्शन अंडरलाइन पोर्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो आप ध्यान रखिएगा। इस ग्राफ को मैंने अपनी वीडियो में बताया हुआ है, ये भी आप लोग अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। एंड नेक्स्ट इज दैट चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज क्रूशियल फॉर कंट्रीज डेवलपमेंट, वाई, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। एंड नेक्स्ट आपका आ गया सेल्फ हेल्प ग्रुप, इसके बारे में ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप तो आप देखिए फॉर्मल सेक्टर इनफॉर्मल सेक्टर हो गया, देन ये फॉर्मल सेक्टर सेल्फ हेल्प ग्रुप टर्म्स ऑफ क्रेडिट, ये शॉर्ट नोट्स में, तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट ऑफ दिस लास्ट ऑफ चैप्टर, इसका इकोनॉमिक्स का, आई एम मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट चैप्टर, और आप ये देखिएगा ये लास्ट चैप्टर में मैं आ रही हूँ मैं, और वो शेयर कर रही हूँ मैं, एंड लेसन नंबर 4। देन आप लेसन नंबर 4 के लास्ट में, दैट इज फिफ्थ चैप्टर, आपको पता है वो आपके प्रोजेक्ट के लिए है, एंड ग्लोबलाइजेशन ऑफ एंड द इंडियन इकोनॉमी, दिस चैप्टर इज अबाउट दैट, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, एमएनसी 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है। आप रिवीजन जब करें तो ये वीडियो देखिएगा, आपको काफी हेल्प मिलेगी। देन नेक्स्ट आपका दैट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ये 3 मार्क्स से बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ डू एमएनसीज कंट्रोल प्रोडक्शन, ये इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ डू एमएनसीज दे कंट्रोल प्रोडक्शन। देन नेक्स्ट इज अबाउट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज दैट अबाउट ये, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, ग्लोब से वर्ड बना है ग्लोबलाइजेशन, एंड व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, ये ग्लोबलाइजेशन के फीचर्स, फैक्टर्स दैट हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन,
वो फैक्टर्स दैट हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. एंड लिबरलाइजेशन 3 मार्क्स में आता है ये, लिबरलाइजेशन, ट्रेड बैरियर. एंड इसको आप शॉर्ट में जैसे देखिए, आपको पूरा ये हाईलाइटेड क्वेश्चन समझ लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा, और उसके अकॉर्डिंग आप उसको एक्सपैंड या शॉर्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट 3 मार्क्स में WTO, इसके बारे में आ सकता है, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. WTO, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स में. व्हाट आर द इम्पैक्ट, इसमें आप पॉजिटिव, नेगेटिव एंड फेयर ग्लोबलाइजेशन, तीनों टॉपिक स्टूडेंट्स कवर कर लीजिएगा. आप अपने आप उसको शॉर्ट कर सकते हैं. पॉजिटिव पहले, नेगेटिव जो भी आपको बताने, नेगेटिव मैंने आपके ये देखिए ये हाईलाइट किया हुआ है आपके एग्जाम्पल्स में से, तो आप ये नेगेटिव फैक्टर्स हैं ये. एंड उसके बाद में व्हाट इज फेयर ग्लोबलाइजेशन, ये मतलब इसका दूसरे फॉर्म में भी क्वेश्चन आ सकता है, डू यू थिंक दैट गवर्नमेंट हैज गॉट अ रोल टू प्ले इन ग्लोबलाइजेशन, एंड योर आंसर विल बी देयर, यस गवर्नमेंट हैज गॉट द रोल टू प्ले इन ग्लोबलाइजेशन. सो स्टूडेंट्स प्लीज रिवीजन करें तो आप ये वीडियो देख लीजिएगा, इट विल रियली हेल्प यू. अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है. एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, एंड प्लीज लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दीजिएगा, आई विल टेक अप दैट प्रॉब्लम इन माई सब्सिक्वेंट वीडियोज.